हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम हैं अभी एस बाग रेलवे स्टेशन, जो रोड है उसके बगल में, अभी जो रोड है उस पर हम अभी चल रहे हैं। और गाइस, मैं बता दूं कि आज का जो ब्लॉग है वो एस बाग रेलवे स्टेशन से चार बाग स्टेशन का एक छोटा सा रोड ट्रिप है। तो गाइस, वीडियो में आप बने रहिए। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो रोड है, ये एस बाग रेलवे स्टेशन के साथ ही साथ है। और इसके राइट साइड में ये हमारा एस बाग रेलवे स्टेशन है। अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं एस बाग रेलवे स्टेशन। तो गाइस, आप सामने भी देख सकते हैं और दाहिने भी देख सकते हैं, ये हमारा एस बाग रेलवे स्टेशन। ये लखनऊ का ही एक हिस्सा है ये भी रेलवे स्टेशन, और काफ़ी अच्छा स्टेशन है। और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें भी आपको मिल जाती हैं। और गाइस, मैं बता दूं कि अगर आप एस बाग रेलवे स्टेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, अगर और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये देखिए गाइस, हम आ गए हैं अभी एस बाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने। ये देखिए, राइट साइड में हमारा एस बाग रेलवे स्टेशन है ये। और यहाँ से आप ऑटो, टेम्पो, कुछ भी पकड़ के आप चार बाग रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो एस बाग से चार बाग की दूरी है टोटल 3 या 3.5 किलोमीटर के लगभग है। और गाइस, अभी जो हम रास्ते पर जा रहे हैं, ये एस बाग रेलवे स्टेशन से चार बाग तक का ये शॉर्टकट रास्ता है। और ये जो इलाका है ये लखनऊ का मोती नगर का इलाका है। ये जो चौराहा है, यहाँ से हम राइट होके टर्न होके चलेंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टोटल दो इसके बीच में चौराहे आते हैं, एक ये चौराहा है और एक आगे चौराहा है। उस चौराहे से भी हम राइट टर्न होके सीधा फिर जाएंगे आगे। गाइस, थोड़ा सा जो ये रोड है थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम चलती है। तो आप कभी भी एस बाग रेलवे स्टेशन आते हैं तो इस रास्ते का भी आप यूज कर सकते हैं चार बाग रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और गाइस, आप देख सकते हैं सामने एक और चौराहा है, यहाँ से हम राइट टर्न होंगे अभी, और राइट टर्न होके फिर हम इसके बाद लेफ्ट टर्न हो जाएंगे और सीधा बिल्कुल हम जाएंगे आगे चार बाग के लिए। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप आगरा से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आगरा के से संबंधित कम से कम 16 या 17 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप पूरे आगरा का वीडियो देख सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको करीब 150 मीटर की दूरी पे आगे आप सामने देख रहे होंगे, ये अपना लखनऊ मेट्रो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न होके लखनऊ चार बाग के लिए जाना है। और गाइस, कभी आप अगर चार बाग रेलवे स्टेशन से आते हैं तो जो दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 50 मीटर करीब आगे आने के बाद यहाँ से आप लेफ्ट टर्न होके फिर यहाँ से आप एस बाग को भी आ सकते हैं। ये देखिए, अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न होंगे और सामने आपको दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। और गाइस, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और गाइज आप सामने जो देख रहे हैं ये हमारा लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन दाहिने साइड में, सामने नहीं सॉरी दाहिने साइड में जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा है चारबाग बस स्टैंड, चारबाग बस स्टैंड और लखनऊ जंक्शन, इन दोनों का भी वीडियो मैंने बना रखा है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारी लखनऊ मेट्रो की लाइन गई है। यहाँ पे है हमारा चारबाग बस स्टैंड, जहाँ पे बस खड़ी इसके लेफ्ट साइड में। और मात्र यहाँ से 50 या 100 मीटर की दूरी पर हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं चारबाग रेलवे स्टेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम।